आइए अब पोएम के ऊपर पढ़ते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी। अब सबसे पहले इस टाइटल के ऊपर जरा निगाह डालिए। शी वॉक्स इन, वॉक इन का मतलब वैसे तो अंदर आना होता है, वॉक इन का मतलब वैसे तो जो है अंदर जाने देना, अंदर आना होता है वॉक इन। लेकिन जनरली एक वॉक इन का मीनिंग ये भी होता है जब अपन किसी से पहले अचानक जाते जाते चलते चलते जब किसी से मिल जाएं, अचानक अपनी मुलाकात अगर किसी से होती है, भाई आप कहीं जा रहे हो लेकिन पहुंच कहीं गए, आप कहीं जा रहे हो लेकिन आप अचानक जो है पहुंच कहीं जाते हो, किसी ऐसे स्थान पर चले जाते हो जिससे आपकी मुलाकात अचानक होती है, रास्ते में जैसे कोई काम आ गया तो अपने किसी दोस्त के घर चले गए, या किसी ने फ़ोन कर दिया यार उसके घर पे चला जा कुछ ले आ, तो आप वहाँ चले गए, ठीक है, तो वो होता है वॉक इन। तो शी वॉक इन ब्यूटी। तो मिस एन विलमोट के लिए, मिसेज एन विलमोट के लिए जो है वो कहते हैं अपनी कज़िन के लिए कि वह यानी कि मिसेज एन विलमोट जो है उनको अचानक एक पार्टी में जब मिलती है तो कितनी सुंदर जो है वो लगती है, कितनी सुंदर जो है वो उनको दिखाई देती है। ये है टाइटल का मीनिंग, शी वॉक्स इन ब्यूटी। एक दिन अचानक जब उस पार्टी में उनकी मुलाकात हुई, अचानक जब उन्होंने उनकी कज़िन को देखा तो वो कितनी सुंदर दिखाई दे रही थी। ये है शी वॉक्स इन ब्यूटी टाइटल। करें स्टार्ट, चलिए लिखिए मीनिंग्स। शी वॉक्स इन ब्यूटी, शी वॉक्स इन ब्यूटी। वॉक इन का मतलब आपको पता है ही सही, अचानक मुलाकात होना। क्लाउडलेस, बादलों से रहित, क्लाउडलेस बादलों से रहित। क्लाइम्स, क्लाइमेट जलवायु, क्लाइम्स क्लाइमेट जलवायु। स्टेरी स्काइज, स्टेरी स्काइज तारों से चमचमाता हुआ आकाश। स्टेरी स्काइज तारों से जगमगाता आसमान या आकाश। फोर्थ नंबर की लाइन पर आइए, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट यानी फेस चेहरा। इसके नीचे वाली लाइन में है मेलोड, मेलोड यानी कि सॉफ्ट बना देना, कोमल बना देना। टेंडर यानी कोमल, टेंडर लाइट रोशनी, टेंडर कोमल लाइट रोशनी। हेवन यानी स्वर्ग। गॉडी, गॉडी डे चमकीला दिन, ब्राइट डे, गॉडी डे ब्राइट डे। डिनाई यानी कि मना करना, डिनाई मना करना। शेड, शेड यानी कि वही शेड होते हैं ना वो, भाई डार्क शेड लाइट शेड वही वाला शेड। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, शेड ही बोलते हैं जनरली उसको, है ना, शेड डार्क शेड लाइट शेड जो भी है। वन शेड। मोर यानी कि ज़्यादा। रे, रे यानी कि चमक रोशनी, रे यानी कि चमक या रोशनी। लेस यानी कि कम, मोर यानी ज़्यादा, लेस यानी कम। इम्पेयर, इम्पेयर यानी कि बिगाड़ देना, स्पॉइल कर देना। इम्पेयर कमज़ोर कर देना, बिगाड़ देना, स्पॉइल कर देना, कुछ भी लिख लीजिए। कमज़ोर कर देना, वीकन कर देना, बिगाड़ देना, स्पॉइल कर देना। नेमलेस यानी कि इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, नेमलेस इनक्रेडिबल। ग्रेस यानी कि आकर्षण, ग्रेस आकर्षण। इसके नीचे है वेव यानी लहराना, वेव लहराना। रेवन ट्रेस, रेवन यहाँ पे ये ट्रीज दिख रहा होगा आपको, ट्रीज इसको ट्रेस कर लो, टी आर ई डबल एस, ट्रीज नहीं है ये, टी आर ई डबल एस ट्रेस, रेवन ट्रेस। और इसको अंडरलाइन करके लिखिए, लॉक्स ऑफ ब्लैक हेयर काले बालों की लटें। क्या हुआ, लॉक्स, लॉक यानी कि लटें, लॉक लॉक यानी लटें, काले बालों की लटें। रेवन ट्रेस।
इसके नीचे है सॉफ्टली, यानी कि कोमलता से, लाइटन का मतलब शाइन, चमकीला बनाना, किसी को लाइटन करना, चमकीला बनाना, चमकना नहीं, चमकीला बनाना, क्योंकि रोशनी जब किसी के ऊपर पड़ती है तो वो उस चीज़ को चमका देती है, ठीक है। चमकना अलग चीज़ है, चमकाना अलग चीज़ है, ठीक है। तो लाइटन यानी कि चमकाना, रोशन कर देना। ओव, आगे लिखा हुआ है ओव, वेयर थॉट्स, विचार सीरीनली, पवित्रता से, सीरीनली पवित्रता से, स्वीट यानी कि मधुर, एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। इसके नीचे लाइन में आए ये प्योर, पवित्र, डियर प्यारा, ड्वेलिंग प्लेस निवास स्थान, ड्वेल यानी रहना होता है, तो ड्वेलिंग प्लेस यानी कि निवास स्थान। इसके नीचे है चीक यानी गाल, आगे है ओवर दैट ओव, ओवर दैट ब्रो, ब्रो यानी कि फोरहेड, ये आगे का करमटा, सिर सिर माथा, फोरहेड फोरहेड, जनरली ऐसे ही बोलते हैं। इसके नीचे है सॉफ्ट यानी कोमल, काम यानी शांत, एलोक्वेंट यानी एक्सप्रेसिव, वही जो व्यक्ति अपने विचारों को ठीक से एक्सप्रेस कर पाने में कैपेबल होता है उसको बोलते हैं एलोक्वेंट, यानी जिसकी बोलने की कैपेसिटी अच्छी होती है, जो अच्छा बोल पा रहा है, अपने विचारों को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है उसको बोलते हैं एलोक्वेंट, एक्सप्रेसिव। द स्माइल्स दैट विन, विन यानी जीतना, टिंट्स, टिंट्स का मतलब शेड्स, शेड्स कलर के जो शेड्स होते हैं उनको बोलते हैं टिंट्स, शेड्स, शेड्स ऑफ कलर। ग्लो यानी चमकना, ग्लो करना। इसके नीचे है टेल, टेल यानी बताना। गुडनेस, गुडनेस यानी कि वर्चुअस लाइफ, गुडनेस अच्छाई, गुडनेस स्पेंड, डेज स्पेंड इन गुडनेस यानी अच्छाई में बीते हुए दिन, अच्छाई में मतलब शांति से बीते हुए दिन, है ना, अच्छी लाइफ में बीते हुए दिन, गुडनेस, वर्चुअस लाइफ में बीते हुए दिन। अ माइंड एट पीस, पीस यानी शांति, विद ऑल बिलो, ऑल बिलो को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, ऑल बिलो ऑन दी अर्थ, यहाँ पर धरती पर, ऑल बिलो ऑन दी अर्थ, धरती पर। A heart whose love is innocent, यानी कि मासूम, innocent। पढ़े, चलिए करते हैं स्टार्ट। She walks in beauty by George Gordon Byron। देखिए भाई, तो सीन मैंने आपको बता दिया है, एन विलमोट, मिसेज एन विलमोट जो उनकी कजिन थी, तो पहली बार जब उन्होंने किसी लंदन की पार्टी में अपनी इस कजिन को देखा तो उसकी ब्यूटी से वो इतना इंथ्रोल हुए, इतना आकर्षित हुए कि उन्होंने उनके ऊपर जो है इतनी सुंदर सी पोएम लिख दी। और कैसी लगी उनको मिसेस विलमोट जब पहली बार उन्होंने देखा, या उनकी सुंदरता को लेकर के क्या कहा है उन्होंने, किस तरह से वो इम्प्रेस हुए उनकी ब्यूटी से, देखिए क्या कह रहे हैं वो। शी वॉक्स इन ब्यूटी, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। जॉर्ज गॉर्डन बायरन यहाँ पे कहते हैं अपनी कजिन मिसेज एन विलमोट के लिए कि अचानक जैसे ही मैंने मेरी कजिन को उस पार्टी में जब देखा तो वो इतनी सुंदर लग रही थी, वो इतनी ब्यूटीफुल उस समय लग रही थी, लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज, जैसे किसी स्थान विशेष की जलवायु जो होती है। अब स्थान विशेष की जलवायु से मतलब यहाँ पे स्थान विशेष का मौसम, उससे है यहाँ पे इसका मतलब, जैसे किसी पर्टिकुलर स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर जो बादलों रहित तारों से जगमगाती हुई जो रात होती है, और वो रात जितनी सुंदर लगती है तारों से जगमगाता हुआ, रात के समय जो आसमान होता है बादलों से रहित, क्लाउडलेस किसी स्थान पर, तो वो रात जितनी सुंदर जगमगाती हुई लगती है अपने को, उतना ही जगमगाता हुआ जो है उनका चेहरा जो है उनको सुंदर लग रहा था। जितनी सुंदर रात जो है अपने को वो लगती है, क्लाउडलेस नाइट,
क्लाउडलेस नाइट एंड विद स्टेरी स्काइज, है ना, आकाश में तारे चमक रहे हैं और बादल बिल्कुल नहीं है, यानी कि आकाश बिल्कुल साफ है। तो किसी स्थान विशेष पर जब इस तरह से तारों से जगमगाता हुआ आसमान बिना बादलों के जितना सुंदर अपने को लगता है, उतनी ही सुंदर जो है उनकी ब्यूटी, उनके चेहरे की ब्यूटी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उनका चेहरे को देख करके वो इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने किसी क्लाउडलेस स्टेरीस नाइट से जो है किसी उनकी ब्यूटी को कंपेयर कर दिया। जितनी सुंदर वो रात लगती है, उतनी ही सुंदर जो है उनके चेहरे की ब्यूटी उनको महसूस होती है। और वो आगे कहते हैं, एन ओवल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। वो कहते हैं कि इस पूरी दुनिया के जितने भी डार्क एंड ब्राइट कलर का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो मुझे उनके चेहरे और उनकी आंखों के कलर में दिखाई दे रहा है। यानी कि उनके आंखों का कलर आप देख लो या उनके चेहरे का कलर आप देख लो, वो इस पूरी दुनिया में जितने भी जो डार्क से डार्क कलर और ब्राइट से ब्राइट कलर जो होते हैं, उन दोनों कलर्स का जो बेस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ कॉम्बिनेशन है, वही कॉम्बिनेशन मुझे उनके चेहरे और उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। ना तो थोड़ा कम ना थोड़ा ज़्यादा, यानी जैसा भी है बिल्कुल परफेक्ट है। इतना परफेक्ट ब्राइटनेस उनके चेहरे पर उनको दिखाई देती है कि जैसे कि मानो इस पूरी दुनिया के ब्राइट से ब्राइट और डार्क से डार्क कलर जो है इस दुनिया में, उनका सर्वश्रेष्ठ कॉम्बिनेशन उनके चेहरे और उनकी आंखों में उनको दिखाई देता है। एंड दस मेलो टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। सही क्रम में जमाते हैं सबसे पहले दस, यानी कि इस प्रकार से जो है जो उनके चेहरे की ब्राइटनेस है, इस तरह से उनके चेहरे की जो खूबसूरती है, जो उनके चेहरे की चमक है, दस मेलोड। और अब ये चमक किसकी वजह से है, वो डार्क एंड ब्राइट कलर का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इस वजह से उनका चेहरा इतना परफेक्टली चमक रहा है ना। उनके चेहरे पे डार्क और ब्राइट, ब्राइट डार्कनेस का और ब्राइटनेस का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, उसकी वजह से उनका चेहरा बहुत ज़्यादा जो है चमक रहा है। और इसी डार्क एंड ब्राइट कलर के कॉम्बिनेशन ने दस मेलोड उनके चेहरे की उस खूबसूरती को, उस चमक को इतना कोमल, इतना सॉफ्ट बना दिया है कि वो रोशनी बड़ी कोमल लग रही है। यानी कि उनके चेहरे की आप सुंदरता देखो, ऐसा लगता है जैसे कि उनकी पूरी स्किन उस ब्राइटनेस, उस कलर की वजह से, उस चमक की वजह से इतनी सॉफ्ट लग रही है, इतनी कोमल लग रही है कि क्या कहना उस चीज़ का। तो ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, वो डार्क और ब्राइटनेस, डार्कनेस और ब्राइटनेस, इस पूरी दुनिया में मिलने वाले डार्कनेस और ब्राइटनेस कलर के जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो उनको उनके चेहरे और उनकी आंखों में दिखाई देता है। और इसी डार्क एंड ब्राइट कलर के कॉम्बिनेशन ने उनकी पूरी स्किन को जो है, पूरी स्किन को चमका रखा है। और इसी वजह से उनका पूरा चेहरा जो है बहुत ही टेंडर लग रहा है, बहुत ही कोमलता से भरा हुआ लग रहा है। जैसा लग रहा है जैसे कि इतनी कोमल स्किन हो कि अगर थोड़ा भी अगर खरोंच कर दें तो क्या पता जो है वहाँ पे चोट वोट लग जाए या फिर कुछ खून निकल आए, ब्लड निकल आए कुछ। इतना कोमल जो है उनको उनका फेस लग रहा है। किसकी वजह से, उस डार्क एंड ब्राइट कलर के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो उस कॉम्बिनेशन ने जो है दस मेलो टू दैट टेंडर लाइट, तो इस तरह से उस कलर के कॉम्बिनेशन ने उनके चेहरे की स्किन को जो है इतना कोमलता से जगमगा रखा है, इतना कोमलता से जो है रोशन कर रखा है कि उनकी चेहरे की स्किन जो है बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट जो है उनको महसूस हो रही है। और उनके चेहरे पे जो ये चमक है डार्क एंड ब्राइट ब्राइटनेस के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से उनके चेहरा चमक तो रहा है। ये डार्क एंड ब्राइट कलर का कॉम्बिनेशन उनके चेहरे को चमका रहा है, नंबर वन। ये डार्क एंड ब्राइट कलर का कॉम्बिनेशन ही उनके चेहरे की स्किन को कोमल बना रहा है, नंबर टू। और ये जो डार्क एंड ब्राइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से उनका चेहरा इतना चमक रहा है, तो उनके चेहरे की चमक को देख करके उनको ऐसा फील होता है जैसे कि मानो उनके चेहरे पे जो चमक है वो इतनी ज़्यादा है जैसे कि कोई जो हेवन होता है, विच हेवन डिनाइज टू अ गॉडी डे। जैसे कि मानो स्वर्ग से आने वाली जो
सुंदरता होती है, सुंदरता मतलब चमक, स्वर्ग से आने वाली जो चमक होती है, जिस प्रकार किसी चमकीले दिन को चमकाने के लिए, जैसे धरती पे जो भी चमकीले दिन होते हैं ना, तो पोइट ने ऐसा इमेजिन किया है कि भाई धरती को चमकाने वाली ये जो रोशनी है, यानी कि सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी किसी एक दिन को ब्राइट बनाने के लिए जितनी रोशनी सूरज यहां पे थ्रो करता है इस धरती पर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सूरज, जाहिर सी बात है सूरज की रोशनी धरती के ऊपर पड़ेगी तो यहां का दिन चमकीला बनेगा ही बनेगा, है ना। तो उन्होंने ऐसा इमेजिन किया है कि भाई सूरज की रोशनी कहां से आ रही है, हेवन से आ रही है, स्वर्ग से आ रही है। तो धरती पे किसी दिन को ब्राइट बनाने के लिए सूरज अपनी जितनी लाइट को यहां पर थ्रो करता है, जितनी लाइट को यहां पर थ्रो करता है धरती पे एक दिन को चमकीला बनाने के लिए, तो उससे भी इतना ज्यादा चमकीला उनका चेहरा दिखाई दे रहा है कि मानो किसी दिन को चमकाने के लिए कोई स्वर्ग जो है वो भी अपनी इतनी रोशनी देने से मना कर दे किसी दिन को चमकाने के लिए, जितना चमकीला उनका चेहरा है। समझ में आई? Which heaven, यानी उनके चेहरे की जो चमक है वो इतनी ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है उस चमक को देख करके जैसे मानो स्वर्ग भी जो है किसी दिन को ब्राइट बनाने के लिए अपनी रोशनी देने से किसी चमकीले दिन को मना कर दे, डिनाई करना, मना कर दे किसको, गॉडी डे, एक चमकीले दिन को। जैसे मान लो, सपोज करो कि भाई पायल गई कि भाई भगवान आज तो जो है 21 जून है, 21 जून मतलब धरती का सबसे बड़ा दिन अपने इधर कर्क रेखा पे, है ना। अब 21 जून पे जाहिर सी बात है कि सूरज की रोशनी कर्क रेखा पे कैंसर लाइन पे जो है बिल्कुल लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, बिल्कुल एकदम पड़ती है ना। तो अब यहाँ पे जो है पायल गई भगवान के पास कि भगवान 21 जून का दिन है और आज तो जो है चमकीला दिन सबसे ज़्यादा चमकना चाहिए जो 21 जून का दिन है। तो ये भगवान के पास जाकर के बोलती है आज का दिन सबसे ब्राइट होना चाहिए क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी यहाँ पे पड़ेगी राजस्थान में, ठीक है। तो भगवान कहते हैं भाई कितनी रोशनी चाहिए, कम से कम 20-25 ट्रक तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 20-25 ट्रक तो भेजो ही भेजो। क्यों, इतने ट्रक क्या करोगे, 10 ट्रक ही पर्याप्त है धरती पर रोशनी भेजने के लिए। तो नहीं, आज 21 जून है, आज ज़्यादा रोशनी चाहिए, ज़्यादा चमकाएंगे। तो भगवान भी किसी दिन को रोशनी देने से इतनी रोशनी देने से मना कर दें, इतनी ब्राइटनेस उनके चेहरे पर चमक रही है। विच हेवन डिनाइज टू अ गॉडी डे, है ना। एक स्वर्ग भी जो है जहां से भी ये सूरज की रोशनी आ रही है तो एक स्वर्ग भी जो है किसी चमकीले दिन को अपनी इतनी रोशनी देने से इनकार कर दे उसको चमकीला बनाने के लिए, इतनी चमकीला जो है। हाँ, तो इतना चमकीला दिखाई दे रहा है उनका चेहरा उनको, और ये किसकी वजह से, उस डार्क एंड ब्राइट कलर के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से। तो ये तीसरी चीज ध्यान रखना, ये डार्क एंड ब्राइट कलर का कॉम्बिनेशन ये तीसरा कमाल कर रहा है। यहाँ पे तीन कमाल हैं इस डार्क एंड ब्राइट कलर के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के। पहला कमाल तो ये, उसकी वजह से उनका चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट दिखाई दे रहा है उस ब्राइटनेस की वजह से। नंबर टू, उसकी वजह से काफ़ी चमकीला दिखाई दे रहा है। यही था ना। हाँ, तो क्या हुआ, तो उस डार्क एंड ब्राइट कलर की वजह से जो है वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है, नंबर वन। उसकी वजह से काफ़ी उनका स्किन जो है बिल्कुल सॉफ्ट दिखाई दे रही है, नंबर टू। और इतना चमक रहा है इस चीज़ की वजह से उनका चेहरा जैसे कि मानो स्वर्ग भी किसी ब्राइट डे को जो है इतनी रोशनी देने से इनकार कर दे, इतनी चमक उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है इस डार्क एंड ब्राइट कलर के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से। क्लियर है ये। वन शेड, आगे वो कहते हैं, वन शेड द मोर, वन रे द लेस, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। और ये उनके चेहरे पे डार्क एंड ब्राइट कलर का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर एक शेड भी अगर और बढ़ा दिया जाए या एक शेड को भी थोड़ा सा अगर कम कर दिया जाए तो हो सकता है ये ऐसा कर देने से
हो सकता है उनके चेहरे की जो इनक्रेडिबल ब्यूटी है, हो सकता है वो फीकी पड़ जाए, हो सकता है वो बिगड़ जाए या ख़राब हो जाए। यानी कि वो जैसा भी है वो कॉम्बिनेशन डार्क एंड ब्राइट कलर का, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप उसमें थोड़ा भी चेंज करोगे, यानी थोड़ा भी अगर आपने एक शेड भी अगर ज़्यादा बढ़ा दिया या एक शेड भी अगर थोड़ा कम कर दिया, तो हो सकता है इसकी वजह से उनकी ये जो इनक्रेडिबल ब्यूटी है, उनका ये जो इनक्रेडिबल ग्रेस है, हो सकता है वो ख़राब हो जाए, हो सकता है वो कमज़ोर पड़ जाए। आगे वो कहते हैं, और ये जो इनक्रेडिबल ग्रेस है उनका, विच वेव्स इन एवरी रेवन ड्रेस और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस। और ये जो उनका इनक्रेडिबल ग्रेस है ना, ये जो उनका अविश्वसनीय इनक्रेडिबल जो आकर्षण है, ये इनक्रेडिबल आकर्षण कहाँ पे दिखाई दे रहा है? विच वेव्स, जो लहराता हुआ दिखाई दे रहा है उनके काले लंबे लटों में। यानी कि ये जो उनके चेहरे का अविश्वसनीय आकर्षण है, ये उनके लहराते हुए काले घने बालों में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सुरक्षित काले मेरे बाल वैसमाल ने किए, ठीक है। तो ये उनके फेस की जो इनक्रेडिबल ब्यूटी है, ये उनके फेस का जो अविश्वसनीय आकर्षण है, ये उनके काले बालों की जो लटे हैं उनमें स्पष्ट रूप से लहरा रहा है। और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस, या फिर उनके चेहरे के ऊपर जो है बहुत ही कोमलता से चमक रहा है, ये उनका जो आकर्षण है, ये है उनकी ब्यूटी। भैया आपको अगर उनकी फिजिकल ब्यूटी देखनी है तो आप उनके काले लंबे बालों की लटों को देखिए, किस तरह से जो है वो बढ़िया कर्ली कर्ली बना करके आई हैं, है ना, कर्लर यूज़ करके आई हैं, है ना। स्ट्रेट भी हो सकते हैं लेकिन वो वाले ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, लटे हैं ना, तो लटे हैं तो स्ट्रेट तो हो नहीं सकते, कर्लर यूज़ किया होगा जाहिर सी बात है उन्होंने, तो बाउंसी बाउंसी हेयर हो रहे होंगे, तो इस तरह से अपने बालों को बना करके आई है। तो उनका ये उनके चेहरे के ऊपर जो है इनक्रेडिबल आकर्षण है, इनक्रेडिबल ग्रेस है, ये उनके बालों की लटों में लहरा रहा है या फिर बहुत ही कोमलता से उनके चेहरे पर चमक रहा है। उनके चेहरे की ब्यूटी देखिए आप बस। चलो ठीक है, फिर कल पढ़ लेंगे।